के सामने दो चुके, कुछ बोल रहे हैं, दिन रात दौड़ कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए, और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है, और आज मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। इतना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महत्व है, और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है, अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा, 4 मतदान के दौर आगे भी है। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं, और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं, मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज गुजरात मां लोकतंत्रों उत्सव है। आनंदनी बात ये है कि पहला बे चरण में जो मतदान थू, हूँ इलेक्शन कमीशन ने पण अभिनंदन आपीश, देश सुरक्षा बलों ने पण अभिनंदन आपीश, अने चूंटनी व्यवस्था में जोड़ायेला वहीवटी अधिकारियों ने पण अभिनंदन आपीश कि पहला बे चरण में क्या नहीवत हिंसानी घटना ध्यान में आई है। अदरवाइज आपने खबर है कि पहला चूंटनी में हिंसानो दौर चालतो तो आ वक्त इलेक्शन कमीशन की अनेक व्यवस्थाओं, हूँ इलेक्शन कमीशन एटला माटे पण अभिनंदन करू छू कि हमने पूरु इलेक्शन कैम्पेन वोटर फ्रेंडली मैनेजमेंट में हमने ध्यान केन्द्रित कर। इवन आजे पण मैं एमनी एक घड़ियाड़ जोई, जे घड़ियाड़ मतदार ने लगातार एलर्ट करे छे कि तमारू मतदान थयुं, अने बधाना मोबाइल पर एक घड़ियाड़ अवेलेबल छे। तो इलेक्शन कमीशने पण टेक्नोलॉजी नो भरपूर उपयोग करे छे, अने हूँ तो मीडिया ना मित्रों ने पण कहीश के हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है, और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए, और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में पूरी दुनिया में है। और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है,
और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स हैं, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाते हैं, और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मतदान करने के बाद मीडिया कैमरों के सामने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही। पहले तो गर्मी वहां पर इतनी ज्यादा होगी, हालांकि सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा आप ज्यादा पानी पिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें। भारी तादाद में लोगों का वहां पर जमावड़ा है, देखिए उनकी एक झलक पाने के लिए किस तरह से बेकरार बेसब्री सभी दिखाई दे रहे हैं। आज चूंकि वहां पर मौजूद रहकर चुनावी बातें नहीं करनी है, इसी वजह से सामान्य बातें ही नरेंद्र मोदी की ओर से ज्यादा मतदान की अपील की गई। सिर्फ ये कहा गया कि गांधीनगर से ही हमेशा यहाँ पर चुनावी मैदान में है, सक्रिय भागीदारी से रौनक और बढ़ेगी अगर लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करते हैं तो। अहमदाबाद में मतदान करने के बाद प्रधानमंत्री की ओर से ये बातें कही गई और अब धीरे धीरे करके वो दूसरी तरफ जाएंगे। आपको बताते चले आज दूसरे हिस्सों में भी प्रचार प्रसार के लिए उन्हें जाना है। उन्होंने मध्य प्रदेश, तेलंगाना और तमाम दूसरे राज्यों का जिक्र किया। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मतदान करने के बाद मीडिया कैमरे के सामने आए और आप लोगों को सेहत का आप ख्याल ज्यादा रखें इसकी भी अपील की, और साथ ही बताया कि लोगों को भारी तादाद में किस तरह से मतदान करना चाहिए क्योंकि ये एक सामान्य दान नहीं है। मतदान देश को किस तरह से आगे लेकर जाएगा अगर सभी की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी तो। हिमांशु देखिए, बिल्कुल चित्रा, यही बात हम कह भी रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये अपील भी की कि मतदान करना कितना जरूरी है और क्यों करना चाहिए। ये लोकतंत्र के इस पर्व में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है और आज का दिन तय करेगा कि देश का भविष्य कहाँ जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो कही है, और वो इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं कि लोग अगर मतदान करने नहीं आ रहे हैं तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि देश की जनता जो है मतदान का प्रयोग करने के लिए बाहर आए, और इसीलिए वो लगातार जो है अपील भी कर रहे हैं, चाहे वो पहले चरण का चुनाव हो या दूसरे चरण का या आज तीसरे चरण के चुनाव के लिए जब मतदान हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, और उसके बाद जब अपने मतदान का प्रयोग किया उसके बाद पैदल चल के गए, सड़क के दोनों तरफ जो है पब्लिक थी, जनता थी, उनको अपना दिखाया, मतदान करने के बाद जो निशान है वो दिखाया, उन्होंने कहा उस निशान के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि जो है वो प्रधान अपने मतदान का प्रयोग कीजिए।